हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और जैसे कि हमारे चैनल का नाम है हम तो मिन इंग्लैंड, तो हम यूके के इमिग्रेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे देते हैं। और काफी सारे लोग हमसे कनाडा के बारे में पूछते हैं कि कनाडा कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं यूके से या फिर इंडिया से। तो हमने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए जिसमें हम कनाडा के एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो लोग हैं वो टेक इंडस्ट्री में यहाँ पे जॉब करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री वालों के लिए ही है, जिसका नाम है BC PNP टेक प्रोग्राम, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया PNP टेक प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कनाडा में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस है, तो वहां पर एक तो एक्सप्रेस एंट्री का रूट होता है जहां अगर आप वहां पे PR लेना चाहते हैं, और एक होता है PNP प्रोग्राम जिसके अंदर आपको प्रोविंस नॉमिनेशन मिलती है। तो अगर ब्रिटिश कोलंबिया, आपको ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रोविंस है जो कि अगर आपको नॉमिनेशन प्रोवाइड करता है, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर कनाडा में जो है वो माइग्रेट कर सकते हो। तो अब इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या एंड हाउ इट वर्क्स, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, इन डिमांड जॉब्स कौन कौन सी है, कैसे आप इसमें माइग्रेट कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। अगर आप उनमें से एक हो जो यूके से कनाडा मूव होने का सोच रहे हैं परमानेंटली, या फिर आप इंडिया से कनाडा मूव होने का सोच रहे हो परमानेंटली, तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अब इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं ये है क्या। जैसे कि आपको पता है कनाडा में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस है, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है उसका एक प्रोग्राम है BC PNP प्रोग्राम, तो मतलब ब्रिटिश कोलंबिया PNP प्रोग्राम, जिसके अंडर ये वाला प्रोग्राम आता है BC PNP टेक प्रोग्राम। अब ये स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके प्रोविंस से नॉमिनेशन ले सकते हो, उसके बाद आप यहां कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अब कुछ इसके की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2017 में BCP टेक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था ब्रिटिश कोलंबिया का, और तब से अब तक मोर देन 6000 की वर्कर्स को नॉमिनेशन जो है प्रोवाइड किया गया है फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा इस प्रोग्राम के अंडर। एंड बीसी टेक प्रोग्राम हैज आइडेंटिफाइड 29 इन डिमांड ऑक्यूपेशंस दैट आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अब इसमें बहुत सारी जॉब्स आती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट हो गया, डेटाबेस इंजीनियर हो गया, बहुत सारी है। अभी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन है इसके अंदर, 29 डिफरेंट इन डिमांड ऑक्यूपेशन जितने भी हैं। और एक इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है उसमें यह है कि एम्प्लॉयर्स who are hiring international workers, they don't need LMIA. LMIA का मतलब है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उनको जो है वो फाइल करना पड़ता है। मतलब आई थिंक एक महीने तक उनको, एक दो महीने तक न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है कि उनको यहाँ पे उनकी अपनी जो कंट्री है वहाँ पर उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल कैंडिडेट हायर कर रहे हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है और हर कंपनी के पास LMIA नहीं होता। तो इस प्रोग्राम के अंदर जिस भी कंपनी से आप जॉब ढूंढ रहे हो वहाँ से आपको LMIA की जरूरत नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर के पास LMIA ना हो तब भी वो आपको जॉब ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो 29 एलिजिबल ऑक्यूपेशन हैं कौन कौन सी जिसमें आपको जॉब लेनी है। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 29 एलिजिबल ऑक्यूपेशन है जिसमें आप जॉब ले सकते हो, और ये जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो आप इसको आराम से पॉज करके, या फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो बड़ा क्राइटेरिया वो है आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। जॉब ऑफर आपके पास ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी एम्प्लॉयर से आप ले सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, यूके से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहां पे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी। बट द गुड थिंग इज एम्प्लॉयर डजंट नीड टू हैव LMIA, उनके पास LMIA होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो एम्प्लॉयर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा ना वो इनडेफिनेट पीरियड का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कम से कम नहीं तो एक साल का होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहे हो किसी एम्प्लॉयर के थ्रू और इस PNP प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मिनिमम 128 डेज उस कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस PNP प्रोग्राम के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो जो अगली सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डिग्री, डिप्लोमा ये सब होना चाहिए जो भी वहां पे रिकॉग्नाइज होती है। इसी के बाद आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। अगर आप नॉक बी लेवल की जॉब करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको हो सकता है IELTS देना पड़े या दूसरा कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट देना पड़े। तो ये कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सबसे मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है इसमें। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए, 29 एलिजिबल जॉब ऑक्यूपेशन जो भी हमने आपको बताई थी, एम्प्लॉयर के थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया में बेस्ड होना चाहिए एम्प्लॉयर, उसके थ्रू आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए जो कि मिनिमम एक साल का होना चाहिए। उसी के बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन स्कोर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोफाइल कहां पे बनानी है, BCSIRS, मतलब BC स्किल्स इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इनका,
वहां पर आपको जो है अपनी प्रोफाइल बनानी है। जैसे ही प्रोफाइल बनाओगे आपको एक रजिस्ट्रेशन स्कोर मिलेगा। उसके बाद एवरी वीक बीसीपी पीएनपी जो है वो टेट ड्रॉ निकालती है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको उनके पास इनविटेशन जाता है। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, आपके पास अगर इनविटेशन आ जाता है, तो नाउ यू नीड टू अप्लाई फॉर बीसीपीएनपी नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉमिनेशन जो है वो मिल जाएगा। इनविटेशन का मतलब यह है कि नाउ यू हैव 30 डेज टू अप्लाई फॉर नॉमिनेशन ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन जो है वो नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है। एक बार आपका नॉमिनेशन जो है वो आ जाता है, तो आपके 600 पॉइंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अगर आपकी ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑलरेडी है वहां पर, तो आपके 600 पॉइंट्स उसमें बढ़ जाएंगे और चांसेस है कि आपको वहां से इनविटेशन आ जाए एक्सप्रेस एंट्री से। अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल आपकी नहीं है, आपको अगर यहां से नॉमिनेशन आ गया, तो आप सीधा जो है वहां की पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो था, ये पूरा प्रोसेस था इस प्रोग्राम के अंडर। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है वहां पर, ये क्या प्रोग्राम है। सिंपल सा प्रोग्राम है, बीसी टेक पीएनपी प्रोग्राम है, जिसके अंदर टेक इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो, जितनी भी एलिजिबल ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताया उस इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इसके थ्रू कनाडा में माइग्रेट हो सकते हो। तो होपफुली यार आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।